हैं कि कुहर ड्रेस में लोग थे, सारा अंग हम लोग देख रहे थे, वैसा हम अपनी बेटी और बहू के उसूल को वहाँ पर ले जा करके रखते। प्रदर्शन है अमीरी का, उस प्रदर्शन में हम छज नहीं पाएंगे। वो शादी जो ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी खूब चर्चा बटोरी, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तमाम स्टार शामिल हुए, बिजनेसमैन और सारे पॉलिटिशियन की तादाद वहां पर थी। लेकिन वो शादी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को फूहर लगी। जीतन राम मांझी से जब ये सवाल किया गया कि मांझी जी आपको न्योता आया था, आपको अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में जाना था लेकिन आप शादी में नहीं गए, तो मांझी जी ने कहा कि वो शादी बड़ी फूहर थी। वहाँ पे जो लोग कपड़ा पहन कर आए थे, जितनी महिलाएं कपड़ा पहन कर आई थी, वो छोटे छोटे कपड़ा पहन कर आई थी और हमारी भाषा में कहेंगे तो उसे फूहर कहा जाएगा। वैसे कपड़े में वहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद थी और वहाँ हम अपनी बहू बेटियों को लेकर जाते, वहाँ रखते, वैसा कपड़ा पहनाते, तो हमको लगा कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, हम वहाँ पर नहीं छजेंगे, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने जितने खर्च किए हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, अगर वो पैसे गरीबों को दिए जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। इन लोगों ने पैसे की प्रदर्शनी लगाई, प्रदर्शित किया कि हमारे पास कितने पैसे हैं, और मुझे लगा कि मैं गरीब इंसान, मैं छोटे तबके का इंसान हूँ, गरीबों के साथ रहता हूँ, मैं वहाँ जाता तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाता। आप सुनिए जीतन राम मांझी से जब ये सवाल किया गया कि मांझी जी आप मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में क्यों नहीं शिरकत हुए, तो मांझी जी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। देखिए, हम बहुत छोटे तबके के लोग में से हम हैं, इस संस्कृति में वहाँ पर स्वागत हुआ और बारात थी, हमको ऐसा लगा कि हमारी पत्नी, हम लोग क्या आज देखा, जिस प्रकार से उसको हम कहते हैं कि कुहर ड्रेस में लोग थे, सारा अंग हम लोग देख रहे थे, वैसा हम अपनी बेटी और बहू के उसूल को वहाँ पर ले जा करके रखते। जिस प्रकार से लोग सूट और पैंट पहन करके वहाँ जाते हैं, कमर हिलाते हैं या नचते, वैसा हम करेंगे क्या? ऐसा हम नहीं सोचा कि इस तरह से होना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम उनको अलग से शुभकामनाएँ भिजवा दिए हैं। अपना जो ये क्या होता है, वो न्योता, न्योता हम भिजवा दिया है, लेकिन हम जाना इसीलिए उचित नहीं समझे कि उसी भव्यता में उतना जो उन का जो प्रदर्शन है अमीरी का, उस प्रदर्शन में हम छज नहीं पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम काम दे। आपने देखा कि साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाता, मैं गरीबों के बीच पला बड़ा हूँ, मैं आम लोगों के साथ रहता हूँ, और वहाँ इतने अमीर अमीर लोग आए थे, वहाँ अगर मैं जाता तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास जितने पैसे हैं, उस पैसे में इतनी प्रदर्शनी की गई थी, पैसे का दिखावा किया गया था, इतना खर्च किया गया था, लेकिन अगर वही पैसे गरीबों में बांट दिए जाते तो बेहतर रहता। वहाँ जितनी महिलाएं हैं वो इतने फूहर कपड़े पहन कर आई थी कि मुझे अपनी बहू बेटियों को वहाँ साथ लेकर जाना बेहतर नहीं लगा। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि मैंने अपना काम कर दिया, मुझे न्योता आया था, मुझे बुलाया गया था शादी में, लेकिन मैं शादी में नहीं जा पाया, तो मैंने शुभकामनाएं जरूर भेजी है। वो हमारे यहाँ कहते हैं कि न्योता भिजवाना, तो हमने न्योता भी उन्हें भिजवा दिया है। बाकी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को शुभकामनाएं भी जीतन राम मांझी ने दी है। लेकिन सवाल ये है कि वो शादी जहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ पर मौजूदगी थी, लेकिन वो शादी जीतन राम मांझी को फूहर लगी। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी उस शादी से अपने आप को दूर रखे, फूहर बताए, वहाँ की महिलाएं फूहर कपड़े पहन कर आई थी और उसी शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े और बड़े सोच रखने वाले हैं जीतन राम मांझी, जिन्होंने इस शादी को फूहर बताया है, महिलाओं के कपड़े को फूहर बताया है। मुकेश अंबानी पर ये कहा है कि मुकेश अंबानी अपने पैसे को प्रदर्शित कर रहे हैं, पैसे की प्रदर्शनी लगाए थे, और वही पैसा अगर गरीबों में बांट देते तो ज़्यादा बेहतर रहता।
हालांकि सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी किन महिलाओं पर ये टिप्पणी कर रहे थे। वो महिलाएं जो देश विदेश से मुकेश अंबानी के घर पहुंची थी, ना केवल पॉलिटिशियन बल्कि बड़े बड़े कलाकार आए थे। क्या वो कलाकार फूहर कपड़े में थे, महिलाएं फूहर कपड़े में थी? और ये जीतन राम मांझी को अधिकार किसने दिया कि जीतन राम मांझी महिलाओं के कपड़े पर सवाल उठाए, जीतन राम मांझी महिलाओं पर टिप्पणी करें, महिलाओं को ये कहें कि महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर आई थी, फूहर कपड़े पहनकर आई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में शामिल जीतन राम मांझी की ये सोच दर्शाती है कि जीतन राम मांझी महिलाओं के कपड़े पर टिप्पणी कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।